the best creature of the God, human being, human homo sapiens, मानव इंसान, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति. ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों कहा गया? मनुष्य संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी जो संसार के सभी प्राणियों को खाता है, इसलिए कहा गया. बकरी गोट लिमिटेड चीज को ही खाएगी, शेर भी लायन भी लिमिटेड चीज को खाएगा, लेकिन मनुष्य ऐसा है, वो साग सब्जी फल वेजिटेबल खाता है, वो बकरी को भी खा जाता है, वो मगरमच्छ को भी खा जाता है, वो मछली फिश को भी खा जाता है, वो छिपकली को भी खा जाता है, वो वॉर्म केचवे को भी खा जाता है, वो टॉर्टोइस कछुए को भी खा जाता है, वो वेल मछली को भी खा जाता है, वो सांप स्नेक को भी खा जाता है. मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संसार के हर प्राणी को खाता है. इज इट ट्रू और नॉट? आप नहीं खाते होंगे, हो सकता है, लेकिन आप मनुष्य प्रजाति के हैं, मनुष्य सब खाता है. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड वी सेड द ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएचर ऑफ गॉड. क्या ये रीजन है, क्या ये कारण है कि मनुष्य संसार के हर प्राणी को खा जाए? क्या इसलिए उसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई. ये तो शैतान का काम है, दरिंदे का काम है, हैवान का काम है, और वो भी ये नहीं करता है. मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति इसलिए कहा गया क्योंकि वो सबकी रक्षा कर सके, सबके जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सके. पेड़ को काटे नहीं बल्कि पेड़ को लगाए मनुष्य लगा सकता है, कोई और पेड़ नहीं लगा सकता. गो की रक्षा करे मनुष्य गो की रक्षा कर सकता है, सेवा कर सकता है. सभी प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था इस संसार में कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है. भगवान ने ऐसी शक्ति देकर उसे भेजा. तो मनुष्य यदि सबका पालन पोषण करे तब तो वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है. यद्यपि सबको मार मार कर खा जाए तो वो तो ईश्वर की निकृष्ट कृति हो गई. मनुष्य ये सर्वश्रेष्ठ कृति है इस बात को सिद्ध करे.